मेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड में आगे बात करते हैं आर्टिकल 41 के अनुसार नथिंग इन द प्रेजेंट कन्वेंशन शैल इफेक्ट एनी प्रोविजंस विच आर मोर कंड्यूसिव टू द रियलाइजेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एंड विच मे बी कंटेन्ड इन द लॉ ऑफ अ स्टेट पार्टी और इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्स फॉर दैट स्टेट. तो कोई भी जो चीज़ें प्रेजेंट कन्वेंशन में दी हैं वो उन चीज़ों को अफेक्ट नहीं करेंगी, उन प्रोविजंस को जो मोर कंड्यूसिव होंगे कि जो राइट्स ऑफ चाइल्ड को रियलाइज़ कराने में, और जो कंटेंट होंगे स्टेट पार्टी के लॉ में या फिर इंटरनेशनल लॉ में जो कि फोर्स है उस इन्फोर्स में है इन्फोर्स्ड है उस स्टेट में. पार्ट टू में आता है, पार्ट टू में आर्टिकल 42 स्टेट्स पार्टीज अंडरटेक टू मेक द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द कन्वेंशन वाइडली नोन बाय अप्रोप्रिएट एंड एक्टिव मीन्स टू एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अलाइक. तो जो स्टेट्स पार्टीज अंडरटेक करेंगी कि जो प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस हैं कन्वेंशन के वो सबके द्वारा उनकी जानकारी में आए अप्रोप्रिएट और एक्टिव मीन्स के साथ, एडल्ट्स के भी और चिल्ड्रन के भी दोनों के पास. आर्टिकल 43 कहता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनिंग द प्रोग्रेस मेड बाय स्टेट्स पार्टीज इन अचीविंग द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्लिगेशंस अंडरटेकन इन द प्रेजेंट कन्वेंशन देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड अ कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड विच शैल कैरी आउट द फंक्शंस हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड The committee shall consist of 18 experts of high moral standing and recognized competence in the field covered by this convention. The members of the committee shall be elected by states parties from among their nationals and shall serve in their personal capacity, consideration being given to equitable geographical distribution as well as to the principal legal systems. The members of the committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by the states parties. Each state party may nominate one person from among its own nationals. The initial election to the committee shall be held no later than 6 months after the date of the entry into force of the present convention, and thereafter every second year at least 4 months before the date of each election the Secretary General of the United Nations shall address a letter to states parties inviting them to submit their nominations within 2 months. The Secretary General shall subsequently prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated indicating states parties which have nominated them and shall submit it to the states parties to the present convention. The elections shall be held at meetings of states parties convened by the Secretary General at United Nations headquarters. At those meetings, for which 2/3 of states parties shall constitute a quorum, the persons selected to the committee shall be those who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of states parties present and voting. तो जो purpose है examine करने के लिए progress जो state parties की है कि वो achieve करने में realization obligations का जो कि undertake की गई है present convention में, एक committee को जो कि rights of child के ऊपर होगी उसे establish किया जाएगा और वो ऐसे function carry out करेगी जैसा कि provide किया गया है. फिर committee जो है consist करेगी 18 एक्सपर्ट और 18 एक्सपर्ट्स की जो कि हाई मोरल स्टैंडिंग के होंगे और रिकॉग्नाइज किए जा रहे होंगे कॉम्पिटेंस उनकी फील्ड में इस कन्वेंशन के द्वारा. और फिर जो मेंबर्स हैं वो कमेटी के इलेक्ट किए जाएंगे स्टेट्स पार्टीज़ के द्वारा जो उनके नेशनल्स के होंगे, और वो सर्व करेंगे अपने पर्सनल कैपेसिटी में कंसीडरिंग की जो इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और जो है प्रिंसिपल लीगल सिस्टम्स के साथ. फिर जो मेंबर्स हैं कमेटी के वो इलेक्ट किए जाएंगे सीक्रेट बैलेट के द्वारा लिस्ट ऑफ पर्सनस में से जो नॉमिनेट किए जा रहे हैं स्टेट्स पार्टीज़ के द्वारा, और ईच स्टेट पार्टी जो है एक पर्सन को अपने नेशनल से नॉमिनेट करेगी. जो इनिशियल इलेक्शन है कमेटी का वो 6 महीने के बाद होगा, मतलब 6 महीने के अंदर होगा जब ये एंट्री करेगा फोर्स में प्रेजेंट कन्वेंशन. उसके बाद हर दूसरे साल होगा जिसमें से जो कम से कम 4 महीने तक इलेक्शन के पहले सेक्रेटरी जनरल जो है यूनाइटेड नेशन का वो एड्रेस करेगा लेटर स्टेट्स पार्टीज़ को कि इनवाइट करें उनको करते हुए उनको उसकी वो सबमिट करें नॉमिनेशन 2 महीने के अंदर. फिर जो सेक्रेटरी जनरल है सब्सिक्वेंटली प्रिपेयर करेगा लिस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उन पर्सन्स के जो नॉमिनेट हुए हैं इंडिकेट करते हुए
जो स्टेट्स पार्टीज हैं जिन्होंने उसे नॉमिनेट किया है, और वो सबमिट करेंगे उसको स्टेट्स पार्टीज़ को प्रेजेंट कन्वेंशन में. फिर जो इलेक्शंस हैं वो मीटिंग्स पे होंगे स्टेट्स पार्टीज़ के जो कन्वेन किए जा रहे हैं सेक्रेटरी जनरल के द्वारा यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में. और फिर जो मीटिंग है जिसके लिए 2/3 जो स्टेट पार्टीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगी कोरम, और जो पर्सन इलेक्ट होगा कमेटी का वो जो मतलब कि वो इलेक्ट होगा जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स पाएगा और एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी जो मेंबर्स जो स्टेट पार्टीज प्रेजेंट है वोट कर रही हैं उनके अनुसार. फिर द मेंबर्स ऑफ द कमेटी शैल बी इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 4 years. दे शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन इफ री नॉमिनेटेड. द टर्म ऑफ 5 ऑफ द मेंबर्स इलेक्टेड एट द फर्स्ट इलेक्शन शैल बी फॉर एट द एंड ऑफ 2 years इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट इलेक्शन. द नेम्स ऑफ दीज 5 members shall be chosen by a lot by the chairman of the committee. If a member of the committee resigns or declares that for any other cause he or she cannot can no longer perform the duties of the committee, the state party which nominated the member shall appoint another expert from among its nationals to serve for the remainder term of the remainder of the term, subject to the approval of the committee. The committee shall establish its own rules of procedures. Procedure. The committee shall elect its officers for a period of 2 years. The meetings of the committee shall normally be held at United Nations headquarters or at any other convenient place as determined by the committee. The committee shall normally meet annually. The duration of the meetings of the committee shall be determined and reviewed if necessary by a meeting of the states parties to the present convention, subject to the approval of the General Assembly. The Secretary General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of the committee under the present convention with the approval of the General Assembly. The members of the committee established under the present convention shall receive emoluments from United Nations core resources for such a term and conditions as the assembly may decide. So, जो members हैं committee के वो elect होंगे 4 साल के लिए, और वो अगर re-nominate होते तो re-election के लिए eligible होंगे, और जो 5 members हैं उन पहले election में वो 2 साल के लिए उनका term होगा जैसे ही फर्स्ट इलेक्शन हो जाता है. उसके बाद फिर जो उसके बाद जो 5 लोग कौन होंगे वो लॉर्ड के द्वारा चेयरमैन के द्वारा चूज़ किया जाएगा. फिर जो मेंबर हैं अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा अपनी ड्यूटी के आगे, चाहे वो रिज़ाइन कर दिया किसी कारण से, तो जो स्टेट पार्टी है वो जिसका वो मेंबर था वो फिर से नॉमिनेट करेगी एक मेंबर को कि वो उत्तर रिमाइंडर टर्म के लिए काम करे, और उसको काम करने के लिए अप्रूवल मिलना चाहिए कमेटी के द्वारा. फिर जो कमेटी है उसके खुद के रूल्स ऑफ प्रोसीजर होंगे जिनके द्वारा वो काम करेंगे. फिर जो कमेटी है वो इलेक्ट करेगी अपने ऑफिसर्स 2 years के लिए. मीटिंग्स जो है कमेटी की वो नॉर्मली यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर पे होंगी या फिर ऐसे कन्वीनियंट प्लेस पे जहाँ पे जो कमेटी डिसाइड करे डिटरमाइन करे. फिर जो कमेटी है वो एनुअली मिलनी चाहिए, या फिर और जो ड्यूरेशन है मीटिंग का वो डिटरमाइन किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा कमेटी के अनुसार. और यहाँ पे ज़रूरी होगा जो मीटिंग है स्टेट्स पार्टीज़ की प्रेजेंट कन्वेंशन में, सब्जेक्ट टू दी जनरल असेंबली की अप्रूवल. फिर जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन की प्रोवाइड करेंगे नेसेसरी स्टाफ और फैसिलिटीज इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए फंक्शंस के कमेटी के इस प्रेजेंट कन्वेंशन के अंदर. फिर जो अप्रूवल है जनरल असेंबली का उनके अनुसार जो मेंबर्स हैं कमेटी के एस्टैब्लिश होंगे जो हुए हैं प्रेजेंट कन्वेंशन के अंदर वो रिसीव करेंगे एमोलमेंट्स यूनाइटेड नेशन के बिहाफ उनके द्वारा, और ऐसे टर्म्स और कंडीशंस में जैसा कि असेंबली डिसाइड करे के द्वारा. फिर आर्टिकल 44 स्टेट्स पार्टीज अंडरटेक टू सबमिट टू द कमिटी थ्रू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट्स ऑफ ऑन द मेजर्स दे हैव अडॉप्टेड विच गिव इफेक्ट टू द राइट्स रिकॉग्नाइज हियरिन एंड ऑन द प्रोग्रेस मेड ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ दोज राइट्स विदिन 2 years ऑफ द एंट्री इन टू फोर्स ऑफ द कन्वेंशन फॉर द स्टेट पार्टी कंसर्न. देयर आफ्टर एवरी 5 years रिपोर्ट्स मेड अंडर द प्रेजेंट आर्टिकल शैल इंडिकेट फैक्टर्स एंड डिफिकल्टीज इफ एनी अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशंस अंडर द प्रेजेंट कन्वेंशन. रिपोर्ट शैल ऑल्सो कंटेन सफिशियंट इन्फॉर्मेशन टू प्रोवाइड द कमिटी विद अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन इन द कंट्री कंसर्न. अ स्टेट पार्टी विच हैज सबमिटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव इनिशियल रिपोर्ट टू द कमिटी नीड नॉट इन इट सब्सिक्वेंट रिपोर्ट सबमिटेड इन अकॉर्डेंस विद पैराग्राफ 1B ऑफ द प्रेजेंट आर्टिकल रिपीट बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रीवियसली प्रोवाइडेड. द कमिटी मे रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेट्स पार्टीज फर्दर इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन. The committee shall submit to the General Assembly through the Economic and Social Council every 2 years. Report on its activities. The states parties shall make their reports widely available to the public in their own countries. तो जो
स्टेट्स पार्टीज अंडरटेक करेंगे कि सबमिट करें कमेटी को सेक्रेटरी जनरल को यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स मेजर्स में जो कि उन्होंने अडॉप्ट किए हैं ताकि जो राइट्स हैं यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं इस आरटीएस कन्वेंशन में उनको इफेक्ट दिया जा सके और जो प्रोग्रेस है एन्जॉयमेंट में उन राइट्स के दो साल में के अंदर जब से जब ये जो कन्वेंशन है फोर्स में आएगा उसके बाद उस स्टेट पार्टी के जो कंसर्न है उसके हिसाब से और फिर उसके बाद हर पाँच साल में फिर जो रिपोर्ट्स हैं जो प्रेजेंट आर्टिकल के अंदर बन रही हैं वो इंडिकेट करनी चाहिए फैक्टर्स और डिफ़िकल्टीज़ अगर कोई अराइज हो रही हैं उनके फुलफिलमेंट में जो इफेक्ट कर रही है उनकी डिग्री ऑफ फुलफिलमेंट ऑब्लिगेशंस का इस प्रेजेंट कन्वेंशन के अंदर। फिर जो रिपोर्ट्स हैं वो कंटेन करेंगे सफिशियंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करने को कमेटी को कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो कि कन्वेंशन की है उनके कंट्री में जो कंसर्न है। फिर जो स्टेट पार्टी है वो जिसने सबमिट किया कॉम्प्रिहेंसिव इनिशियल रिपोर्ट कमेटी को वो ज़रूरत नहीं है कि वो सबसिक्वेंट रिपोर्ट सबमिट करे जो पैराग्राफ वन वी में दिया हुआ है उसके लिए प्रेजेंट आर्टिकल के और रिपीट करे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो उसने पहले से दी हुई है। फिर जो कमेटी है वो जो कमेटी है वो रिक्वेस्ट कर सकती है स्टेट पार्टीज से कि वो फर्दर इन्फॉर्मेशन जो रेलिवेंट टू इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कन्वेंशन के वो बताए। फिर जो कमेटी है वो सबमिट करेगी जनरल असेंबली को इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के थ्रू हर दो साल में रिपोर्ट्स अपनी एक्टिविटीज़ की। फिर जो स्टेट्स पार्टीज़ हैं वो अपनी रिपोर्ट वाइडली बनाएंगी अवेलेबल कराएंगी पब्लिक को अपने कंट्रीज़ के। आर्टिकल 45 कहता है कि ऑर्डर टू फोस्टर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन एंड टू एनकरेज इंटरनेशनल कॉपरेशन इन द फील्ड कवर्ड बाय द कन्वेंशन द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड एंड अदर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन्स हैव बीन एंटाइटल्ड टू बी रिप्रेजेंटेड एट द कंसिडरेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच प्रोविजन्स ऑफ द प्रेजेंट आर्टिकल एज वेल विद इन द स्कोप ऑफ देयर मैंडेट द कमिटी में इन्वाइट द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड एंड अदर कॉम्पिटेंट बॉडीज एज इट मे कंसिडर अप्रोप्रिएट टू provide expert advice on the implementation of the convention in areas falling within the scope of their respective mandates. The committee may invite the specialized agencies, the United Nations Children's Fund and other United Nations organs to submit reports on the implementation of the convention in areas falling within the scope of their activities. The committee shall transmit as it may consider appropriate to the specialized agencies, the United Nations Children's Fund and other competent authorities by reports from states parties that contain a request or indicate a need for technical advice or assistance along with the committee's observations and suggestions if any on the request or indications. The committee may recommend to the General Assembly to request the Secretary General to undertake on its behalf studies on specific issues relating to the rights of the child. The committee may make suggestions and general recommendations based on information received pursuant to Article 44 and 45 of the present convention. Such suggestions and general recommendations shall be transmitted to any state party concerned and reported to the General Assembly together with comments, if any from states parties. So, ताकि फोस्टर करने के लिए इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कन्वेंशन का और एनकरेज करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन इस फील्ड में जो कवर किया जा रहा है कन्वेंशन के साथ उसके लिए स्पेशलाइज एजेंसीज जो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड और बाकी कोई भी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स जो एंटाइटल्ड होंगे कि वो रिप्रेजेंट किए जाएँ कंसिड्रेशन में इम्प्लीमेंटेशन के ऐसे प्रोविजन्स के प्रेजेंट कन्वेंशन के जो कि फॉल कर रहे हैं उनके मैंडेट के स्कोप में। फिर जो कमेटी है वो इनवाइट कर सकती है स्पेशलाइज एजेंसीज को यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स को और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को जैसा कि वो कंसीडर करें अप्रोप्रिएट प्रोवाइड करने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस इम्प्लीमेंटेशन में कन्वेंशन के ऐसे एरियाज़ में जो उनके स्कोप में फॉल करते हैं और उनके रिस्पेक्टिव मैंडेट्स पे। फिर जो कमेटी है वो इन्वाइट कर सकती है स्पेशलाइज एजेंसीज को यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड को और अदर यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स को कि वो सबमिट करें रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन में कन्वेंशन के जो उन एरियाज़ के ऊपर जो उनके स्कोप में ऑफ उनके एक्टिविटीज़ में फॉल कर रहे हैं। फिर जो कमेटी है वो ट्रांसमिट कर सकती है मतलब करेगी जैसा कि वो अप्रोप्रिएट समझे स्पेशलाइज एजेंसीज़ को यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड को और बाकी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को ऐसी कोई भी रिपोर्ट जो स्टेट्स पार्टीज से ली हुई जो कंटेन कर रही हो कोई भी रिस्पेक्ट इंडिकेट कर रही हो कोई भी नीड टेक्निकल एडवाइस या असिस्टेंस की कमेटी की ऑब्जर्वेशन सजेशन के साथ उस रिक्वेस्ट या इंडिकेशन पे। फिर जो कमेटी वो रिकमेंड कर सकती है जनरल असेंबली को रिक्वेस्ट करते हुए कि वो रिक्वेस्ट करे सेक्रेटरी जनरल को कि अंडरटेक करें वो अपने स्टडीज़ के बिहाफ पे स्पेसिफिक
इश्यूज़ जो रिलेट कर रहे हैं राइट्स ऑफ द चाइल्ड को, फिर जो कमेटी है वो सजेशन बना सकती है, जनरल रिकमेंडेशन दे सकती है, जो कि उनके इन्फॉर्मेशन जो रिसीव की गई है आर्टिकल 44 और 45 के पर्समेंट में उससे आती हो प्रेजेंट कन्वेंशन के। फिर जो सजेशंस और जनरल रिकमेंडेशन है वो ट्रांसमिट किए जाएंगे स्टेट पार्टी कंसर्न को, और जो रिपोर्ट जो है वो जनरल असेंबली को दी जाएगी कमेंट्स के साथ अगर कोई हैं तो स्टेट पार्टीज़ के द्वारा। ओके, थैंक यू।